किधर है रे भाई? चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। काम तो बाद में भी होता रहेगा। हाँ हाँ भाई, पी लेता हूँ। वैसे किस तरह की लड़की पसंद आएगी तुम्हारे लाडले को, कुछ पता है तुम्हें? मेरे बेटे को तो जॉब करने वाली प्रोग्रेसिव लड़की ही पसंद आएगी। पक्का? मतलब तुम्हें यकीन है कि उसे ऐसी लड़की पसंद आएगी? हाँ हाँ, लगा लो 100 रुपए की शर्त। भाई शौक है तो लगा लो, पैसे तो मेरे ही हैं। वैसे उससे पूछ लेना, उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, पूछ लूंगा। वैसे तुम्हारे साहबजादे पिछले 2 महीने से रातों को बहुत देर से आ रहे हैं, ऑफिस वाले सारा काम इन्हीं से करवा रहे हैं क्या? हाँ, वीकेंड पे भी काम करना पड़ता है बेचारे को, इतना काम कौन कराता है? तुम अपना किचन संभालो, ऑफिस की बातें तुम नहीं समझोगे। हेलो, किधर था रे जब से? थोड़ा बिजी था यार, बोल। क्या कर रहा था? कुछ नहीं, बस घर पे हूँ, बीवी के साथ खाना बना रहा था। अच्छा, यू ओके? क्या हुआ? हेलो बाप, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। आई ट्राइड, मैंने बहुत कोशिश किया बट नहीं हो रहा यार मुझसे। 3 महीने हो गए यार ब्रेकअप होके, you're still thinking about her? How can I not think about her? इतने दिन तक साथ में थे यार हम लोग। भाई देख, उसको US में जॉब मिली थी, वो चली गई बस। I'm not saying कि वो तुझसे प्यार नहीं करती थी, but हर किसी की प्रायोरिटी अलग होती है लाइफ में। US में जॉब मिली थी यार, who is going to let that chance go? She was just being practical. तुझे भी practical होना पड़ेगा। तो क्या मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी? Dude, तू किधर है अभी? अभी आया वापस, ऑफिस से। ऑफिस? पर आज तो संडे है ना? एग्जैक्टली, पिछले 2 महीनों से एक दिन भी ऑफ नहीं लिया मैंने। वीकेंड्स पे भी जाता हूँ। क्यों? अपने आप को बिजी रखने के लिए। ऑफिस में भी सब मुझे पागल समझते हैं। नक्ष यार, तू घर जा, टेक अ शावर एंड रिलैक्स। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तू अकेला नहीं है, सबके साथ होता है। इट्स जस्ट अ फेज एंड इट विल पास। लुक, इफ यू वांट टू क्राई ना, जस्ट क्राई। वो तो हो ही रहा है, आई एम ऑलरेडी क्राइंग। गुड। देख भाई, आने वाले ना कुछ नहीं सिखाते, लेकिन जाने वाले बहुत कुछ सिखाते। सिंपल, जस्ट लर्न एंड मूव ऑन। हेलो, घर जा डूड। एंड हाँ, आंसू पोछ लेना घर जाने से पहले। हाँ, और अगले हफ्ते हैदराबाद आ रहा हूँ मैं। विल मीट, ओके? ओके। यू फीलिंग बेटर? या, थोड़ा। सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स, ओके? ठीक है। चल, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके, बाय।
तुम्हारी माँ पूछ रही थी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, क्यों? वो हम सोच रहे थे कि तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू करें, तो किस टाइप की लड़की तुम्हें चाहिए? ढूंढो कोई भी। हाउसवाइफ?